नमस्कार दोस्तों, मैं अनिश शर्मा आपके अपने YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। दोस्तों आज की इस वीडियो में आपको दिखाने वाला हूं गंगा जी का जलस्तर कितना है कितना नहीं है इस समय। आप पीछे देख सकते हैं मेरे पीछे एक मंदिर पूरा डूब चुका है और आपको यहां का नज़ारा दिखाऊंगा। वीडियो पूरा देखिए, कहीं भी स्किप मत करिएगा। और दोस्तों डेट की बात करें तो आज है 31 अगस्त और दिन बुधवार। अभी टाइम रहा सुबह 6:01। पीछे देखिए आदित्य भी है हमारे, ये भी साथ में आया है। यहाँ से रत्नेश्वर महादेव का आपको व्यू दिखाता हूँ मैं। अभी यहाँ से नहीं दिखेगा ये, यहाँ देखिए रत्नेश्वर महादेव लगभग 9 डिग्री ये मंदिर झुका हुआ है। अगर इतिहास जानना चाहते हैं इस मंदिर के बारे में तो मैं वीडियो आपको चैनल देखने मिल जाएगा रत्नेश्वर महादेव मंदिर नाम से। चलिए बैक कैमरे से पूरा दिखाता है, वीडियो पूरा देखिए कहीं भी स्किप मत करिएगा। दोस्तों फाइनली कम से कम 2-3 किलोमीटर बाइक चला कर हम आ चुके हैं सिंधिया घाट। यहाँ से दिखाते हैं आपको जो घाट डूबे हैं। और अभी टाइम की बात करें तो टाइम हो रहा है अभी 5:56, ये लगभग 6 बज रहा है। यहाँ से नज़ारे आप देखिए बाढ़ के, मंदिर जो डूबे हुए दिखाता हूँ मैं आपको चल के। ये देखिए यहाँ से जा रहे, चलिए हम लोग चलते आगे। ये देखिए मुख्य प्रवेश द्वार है आने का, यहाँ पर सर्प बना हुआ है, सूर्यदेव जी का मुख बना है। ऊपर से चले हम लोग, ये देखें मंदिर डूबा किस तरीके से। ये रास्ता दिखाने जाने का है, पहले यहाँ दिखाते आपको कैसे मंदिर डूबा। देखिए यहाँ पर काफी ऊपर पानी हो गया है, पहले काफी नीचे था। ये पानी बढ़ा ले चाहे घटा ले, पानी घटा है ना, थोड़ा सा घटा है। चलिए दिखाते हैं पास से आपको। हमने सब चले गए पास, देख सकते हैं यहाँ पर पूरा मंदिर जलमग्न हो चुका है, मैंने जल समाधि ले चुका एकदम। यह सिंधिया घाट, रत्नेश्वर महादेव दिखाने का प्रयास करते हैं। देखिए जो कूड़े के जितने डब्बे से ऊपर कर लिए गए हैं, बाढ़ के बाद फिर लगा दिए जाएंगे। देखिए सिंधिया घाट, देखिए कहाँ से पानी बढ़ रहा है, पानी फोर्स देखिए यहाँ पे, आप यहीं पे देख सकते कितना फोर्स है। आवाज़ सुनाई दे रहा है आपको, मैं जूम करके दिखाता हूँ। दोस्तों अभी भी गंगा जी का जल स्तर खतरे निशान से 84 सेंटीमीटर ज़्यादा चल रहा है और 21 घंटे के ठहराव के बाद थोड़ा सा कमी आया है, क्योंकि प्रयागराज में ही गंगा जी का जल स्थिर कल हो गया था, तब धीरे धीरे घटाव स्टार्ट होगा। देखिए क्या होता है आगे चल के, अब पानी का फोर्स कितना ज़्यादा है।